शिक्षा सबके बारे में तो चर्चा हो गया और आगे अब आमदनी के बारे में चर्चा हो के रहा, उसके बारे में की अहाँ सब कहे छी? कहली कि जे गहूम कैली तो गहूम के दाना मिधी नहीं हो गया, तो गहूम मौसम के लिए वो खराब हो गया, आमदनी कम गया आ खर्चा बढ़ते जा रहा है, कैसे पूरा होता ही न आ रहा है, महंगाई बढ़ गया दीदी, अब कैसे भरपाई हद से समझ में ना आ रहा है। दीदी जब बगले के पंचायत में मधुमक्खी पालन करके सब अपन आमदनी बढ़ाएल, लोग ज्यादा माने उसे फायदा उठाएल। दीदी मधुमक्खी पालन कहाँ पर हो रहा है? घोसौत गांव में वो सुनैना दीदी छथिन, वो बहुत सब समूह के सब दीदी के मधुमक्खी पालन करे छथिन, वैसे बुझो कि उनका बहुत मन फायदा भेलै है, समूह के दीदी सबके भी बहुत वैसे फायदा बुझल है और आगे भी ज़्यादा मधुमक्खी के पाले लेल एकदम से सब दीदी तैयार है, मिलजुल के सब आगे काम के बढ़ोतरी में लागल। दीदी शनिचर के दिन सुबह में सुनैना दीदी से पता करे सुनैना दीदी घरे हाथी? हाँ दीदी हम घर ही हाथी, की बात है? प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, कौन गांव से अयली दीदी? हम अहाँ के नाम पहचान टेंगरारी से अयली, बगल में टेंगरारी है, टेंगरारी से। कौन गांव से अयली दीदी? हमरा सके मीटिंग भेल ना समूह के, सीएम दीदी बतलखिन जे सुनैना दीदी बहुत अच्छे से मक्खी के मधुमक्खी के पालन करे छथिन। दीदी अहाँ मधुमक्खी पालन जे करे छी ओकरे जानकारी लेवे ली कि अहाँ कैसे करे छी? हमर नाम है सुनैना देवी, आधा जीविका सोम सहे का के सदस्य थी, घर घुसौत है, प्रखंड मीनापुर है, जिला मुजफ्फरपुर है। चलू दीदी अभी हम बक्सा देखे जाए छी, वही तार मधुमक्खी पालन के बारे में बता दे। सारा सामान तो बक्से तर है, हम अभी वही तार के देख रेख करब, वही तर अहाँ के देखा। ठीक है दीदी चलो। ठीक है चल। देखो दीदी हमरा जीविका के द्वारा 10 बक्सा मिलल है। दीदी यहाँ तो बहुत ज्यादा बक्सा बुझाइए। हाँ दीदी 10 गो मिलल है, आ बढ़लिए है तो ज्यादा बक्सा हो गए। सब 10 बक्सा से बढ़ाइए ले लिए? हाँ दीदी हम 10 बक्सा से 18 बक्सा कर लेलिए। दीदी बक्सा कहाँ से लाली है? हमरा सके जीविका से मिल रही है। जीविका से मिलल है? हाँ दीदी, दीदी सबसे पहले VRP भैया आल थी तो MP कल थी, एकरा बाद दीदी हमरा सके 5 दिन के ट्रेनिंग मिल रही। दीदी ट्रेनिंग भेलै आ ओकरा बाद हम सब कहलिए कि जे 2000 रुपया जमा कलिए। दीदी 2000 रुपया हमसे जमा कर दिलिए न तो 10 गो बक्सा हमरा सके मिलल। दीदी 2000 रुपया तो जमा कर दिलिए आ ओकरा साल भर के बंदर में 18000 रुपया जमा कर देवे के। ठीक है अच्छा दीदी ठीक। दीदी बक्सा के रखे के सही जगह कहाँ हो? कहीं ठंडा जगह है ना बगीचा, वही में रख दू आ मक्खी अपन उड़ के 3 किलोमीटर दूरी जाके वो अपन भोजन पराग ले आवे छे। दीदी बक्सा तैयार करे में कितना सामान के जरूरी लगे छे से सब हम बता दे छी। हथौड़ी है, आई दीदी गिलास है, आई दीदी रानी है में रखे छे। दीदी हमरा एकर समझ न आवे जे एकर कौन जरूरी हो। दीदी बक्सा में जोन बक्सा में 2 गो रानी होते ना वो
ओमे एगो पकड़ के ऐमे धा देबे या दोसरका बक्सा में धा देबे तो दूगो बक्सा हो जाते एक दोनों में एक खुनगो रानी हो जाते। दीदी ऐमे अथी कांटियों के जरूरी पड़े छे जो निमे बक्सा ठोकाई छे। दीदी पनियों के जरूरी पड़े छे। दीदी ई मोम सीट है एकरो जरूरी पड़े छे। दीदी एगो चटियों के जरूरी पड़े छे। अच्छा चटियों के जरूरी पड़े छे। हां चट्टी के जरूरी पड़े छे। दीदी ई बक्सा है आ बक्सा के ऊपर सुपर है। हां सुपर चढ़े छे आ तब ओमे ई झक्कन के झक्कनों के जरूरी पड़े छे। दीदी पिन काट ई जे हथौड़ी ई जमुरा आ उ कहला लेले हतिए उ गका। दीदी सुपर के अथी पिन काट जाम करे छे कि जे ऊपर सुपर चढ़े। दीदी जाली कल रखले हतिए गे। जाली ए लेल रखे छै कि बक्सा जब ले जाए के होइ छै या लिए आबे के होइ छै तो एमे हवा बियार नीचे लगते ना तो मक्खी मरते ना गर्मी नीचे ना देते ए लेल जाली ऊपर से लगाल जाए छै। ई दीदी हमेशा लगाल रहै छै ना जब जब माइग्रेशन होइ छै ना तब तब ई लगाल दे जाए छै कि जे गर्मी एमे ना लगै छै मक्खी ना मरै छै। इसी तरह के लोग लेके गेलक अयलक रक्षा के लेल है मक्खी के लिए। दीदी ये खाली फ्रेम है ऐमे 22 नंबर तार लगे छे। देखो दीदी ऐमे 22 नंबर तार लागल है पूरा बाद ये मोम सीट चढ़ाल जाए छे। दीदी दीदी ऐमे लागल है ये मोम सीट। मोम सीट लगेला के बाद में मक्खी काम करे छे तो ऐसन छत्ता हो जाए छे। मधुमक्खी तर जाए से पहले नकाब के जरूरी हो छे। दीदी आलू नकाब लगा ले हा। दीदी चले चलो। दीदी ये मेन गेट है एकरा सामने कभी न रहे के चाहे। मेन गेट के सामने ना बैठल जाए छे। ना दीदी मेन गेट के सामने ना बैठल जाए छे। दीदी हम खोल के एकरा बता दे छी। बताओ ना देखो भाई। ई चाशनी है मक्खी के देख लो चाशनी है। चाशनी देख। हाँ ई चाशनी हम तो पहले बक्सा खोल दिलिए अब हम गिलास फ्रेम निकाले के लिए गिलास पहले निकाल दे छी। ई है मधु खंड आ ई है शिशु खंड। ये है हमर रानी। ई मजदूर मक्खी है ई काम करने वाला मक्खी है। ये मक्खी काम करता ही दीदी। हाँ ये मक्खी काम करे वाला है। एमे नर मक्खी तैयार हो छे दीदी। एमे नर मक्खी तैयारी हो छे दीदी। हाँ ई घर जे है दीदी यही में रानी तैयार हो छे। हाँ यही में तैयार हो छे। हाँ सब कुछ रहे छे एमे जीरबा लारबा सब कुछ एमे रहे छे देख लियो। सब में अथी जीरबा लारबा सब एमे। हाँ एमे सब कुछ रहे छे। दीदी एमे 10 फ्रेम के कोलेजन आबै छै मा रखल जाय छै 9 फ्रेम। एमे 9 फ्रेम ए लेल रखल जाय छै कि ओहिमे गिलास सेट करे के होइ छै चाशनी रखे के होइ छै ए लेल 9 फ्रेम रख। दीदी ए साइड से करब कि तनका छोड़ के रखब आ पूरा फ्रेम के सटा के रखब कि जे एकर गर्मी बनल रहे। ऐसे हटा देते तो एने से फाक रहते। हाँ, से गर्मी रहे। गर्मी रहते ए लेल एकर तापमान एकदम अच्छा मिलत रहे। दीदी ई सटा के रखै छियै जे एकर गर्मी बनल रहते। हाँ दीदी सटा के एहि लेल रखल रहै छै कि एकर गर्मी एकदम बनल रहे। दीदी ई हम सुपर चढ़ाबै छियै। दीदी सुपर कला चढ़ाइली है। ई सुपर ई मक्खी के ई नीचे भर गेलै तब आब ऊपर आतै मक्खी ए लेल सुपर चढ़लै। ई तऽ हम पूरा
अथी बक्सा भर गेलै तो लेले जे इनमे चल अलै अब ई छत्ता हम गिराबै छी एमे कि नीचा से मक्खी एमे आतै ऊपर चल आतै दीदी ई छत्ता त हम गिरा देलियै अब ई हम गिराबै छी ना तो एमे मक्खी अपन काम करतै मेरा मक्खी यही में काम करतै दीदी ई चासनी है मक्खी के भोजन है आब तो हम एमे छत्ता धा देलियै तो ये हम चासनी धा दे छी मक्खी के भोजन है गिलास में ये चासनी धा देली हाँ, मक्खी के भोजन हाँ, मक्खी के भोजन लागी दीदी ई हम चट्टी रख दे छी दीदी ऐसे कैला रख लिए चट्टी दीदी ये ले रख दे लिए है कि ये में गर्मी बनल रहता है तो मक्खी अच्छा से रह दीदी अब हम एक झक दे छी ई बात तो समझ गेले दीदी हाँ दीदी हम समझ गए ई बात ठीक है अब हम भोजन के बारे में बताबे छी तीन भाग चीनी एक भाग पानी गरम पानी में घुला के आ ठंडा के आ सूरज जब डूब जाए तब ओकरा देवे के चाहिए दीदी चीनी और पानी के जे चाशनी बनाबे छियै ओ हम साँझ में दे छी मक्खी के दीदी अथी चीनी के चाशनी शाम के कहला दे छियै चिन्नी के चाशनी शाम के ए लेल दे छिए कि मधुमक्खी आपस में लड़ाई न करे हाँ दीदी शाम के टाइम समय में भोजन दिल जाए छे हाँ दीदी गर्मी के टाइम में मई जून के समय में ग्लूकोज जरूर देवे के चाही कि ओकरा ठंडी रहे तो लुक न लगे पहले कॉलोनी खोल के हम रानी के स्थिति देखब दीदी पहले तो ओहिमे हम देखब कि नई रानी कौन है या पुरानी रानी कौन है नई रानी होए तो पीला रंग के होए तो पुरानी रंग रानी होए तो काला रंग के दीदी पुरानी रानी होए तो ओकरा हम मार देब आ नई रानी कोयल से हम तैयार कर ज़्यादा तैयार हो या अक्टूबर नवंबर के महीना में दीदी हम एक कॉलोनी में देखबाई कि कोई बीमारी हमरा कॉलोनी में लागल है कि ना दीदी कैसे हमरा पता चलते से कौन बीमारी लागल है या कौन बीमारी न लागल है देख लिया ये कॉलोनी में बीमारी से लागल है दीदी ये कौन बीमारी है ये माई के बीमारी है माइट लागल है माइट से जितने अंडे बच्चा रहे छे ना वो खराब हो जाए छे दीदी मक्खी के एक और बीमारी है कि पेट खराब हो जाए छे ना तो पीला पीला पैखाना करे लगे छे और मक्खी के पेटो खराब हो जाए हाँ दीदी पेटो खराब हो पीर पैखाना होए लगे हाँ दीदी तो एकरा पेट खराब हो जाए छे तो एकर कौन इलाज है अजमाइन के चीनी में चाशनी बना के मक्खी के देल जाए छे ऐसे ओकर पेट ठीक हो जाए छे देला से पेट ठीक हो जाए हाँ दीदी ठीक हो जाए ठीक है दीदी दीदी अब तो सब बताई तो समझ गेली आगे एकरा लेल कोई सावधानियों करे के है हाँ दीदी एमे सावधानी रखे के है दीदी गेट के सामने न रहबै मक्खी के गेट के सामने ए लेल न रहै छै कि मक्खी के आबे जाए के रास्ता है न तो मक्खी काट लै छै बरसात के टाइम में मधुमक्खी के गेट ए लेल छोटे रखे के होइ छै कि दोसर मक्खी आके लड़ाई झगड़ा न करे दीदी जब बक्सा तर जाए के होत न
तो करब कि जे कोई खुशबू तेल लगा के क्रीम लगा के ना जाए कि खुशबू पर मक्खी काट ले छे। दीदी जब मधुमक्खी के देख रेख करे जबे तो करब कि जे पूरा अपन देह हाथ तोप लेब आ नकाब जरूर लगा के जाए। दीदी सुतरी के बोरा जे ऊपर झाँक छियै से नीचा ओकर सूत उत न लटके के चाहिए वही पर माहे चीटी उटी कीड़ा फतिंगा चढ़ जाए छै तो मक्खी के नुकसान। भोजन शामे के समय देवे के चाही कि मक्खी लड़ाई आपस में न करे। दीदी गर्मी के टाइम में 8 से 10 बजे के बीच में देख रेख करे के चाहिए सप्ताह में एक बार। दीदी बारिश के समय में बक्सा के न खोले के चाही। दीदी बक्सा एहन जगह पर बारिश के टाइम में रखे के चाही कि हल्का धूप भी लगे आ हल्का छाँव भी रहे तहाँ रखे के चाही। दीदी ठंडा के समय में बॉस के धूप में रखे के चाही। दीदी ओकर निरीक्षण 1 से 2 बजे जब धूप हो तब करे के चाही। हमरा तो मधुमक्खी के पालन के लेल बहुत रउआ जानकारी दे दिलिये। दीदी अब हम जब ना अपना समूह में तो सब दीदी के बतबाई कि कहबे कि जे सब आदमी सब दीदी की करबे जे मधुमक्खी पालन हम करब। दीदी ठीक बात है हम हूँ करबे सब कोने कहबे ठीक है। दीदी सब दीदी मिल के आ मधुमक्खी पालन करिए अपन अपना लाभ उठाइए। ठीक है दीदी इतना सब आपने बताई है हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमर नाम सीता देवी घर सुजालपुर सरैया प्रखंड जिला मुजफ्फरपुर। जीविका के माध्यम से सरैया हम 5 दिन के ट्रेनिंग कैले हती। केवल पीजी में सब दीदी मिल के मधुमक्खी पालन करैले 15 जनवरी के 10 बक्सा मिललक। 10 बक्सा पर 70 किलो मधु मिलक हम 8,000 के मधु बेचली हँ। जीविका के सभी दीदी से अनुरोध है कि सब दीदी मधु पालन कह के सब दीदी लाभ उठावे। हमर नाम है संजू देवी घर सुजावलपुर जिला मुजफ्फरपुर ब्लॉक सरैया कृषि विज्ञान केंद्र से 5 दिन के ट्रेनिंग मिला है। उज्ज्वल पीजी से सबे दीदी मधुमक्खी पालन कर रही। नवम्बर में हमारा 10 गो बक्सा मिलल है। फरवरी में 10 बक्सा पर 130 किलो मध हमारा निकलल है। हमारा 10 बक्सा मिलल है तो 3 गो बक्सा और बढ़ा लेली हमारा 13 गो बक्सा है। 10 बक्सा में तो हम 15,000 के मध बेच लेली। मक्खी पालन बहुत अच्छा बिजनेस है। सबे दीदी से अनुरोध है कि पालन करके अधिक से अधिक लाभ उठाए। मैं सुनाना देवी हमर घर है घोसाउत पूजा जीविका मधु उत्पादक समूह से हम जुड़ल हती। मधुमक्खी पालन करे से ऐसे हमरा सफलता मिलल है ऐसे बहुत हमरा फायदा भेलक। एकरा लेल हम 5 दिन के आवासीय प्रशिक्षण लेली। ई ट्रेनिंग हमरा जीविका के द्वारा कराल गेल। ट्रेनिंग कैला के बाद जनवरी 2015 में 10 बक्सा मिला। 3 महीना के अंदर में हमरा 10 बॉक्स से 1.5 क्विंटल मध निकललक। 10 बॉक्स से हम 18 बॉक्स पूरा लेली। 1.5 क्विंटल मध हम बेचली तो हमरा 16,500 रुपया इनकम भेल। ए साल हमरा बहुत खुश हती मधुमक्खी से कि एक साल 1 गुने न 4 गुने बढ़ा के बहुत ढेर कली कि ऐसे बहुत आमदनी हमरा हो जाए। ई आमदनी भेल है तो एकरा पीछे हम कड़ी मेहनत कैली है तब आमदनी भेल। मधुमक्खी के खान पान पर ध्यान देली है। मुजफ्फरपुर के दीदी से यह अनुरोध है कि सब दीदी मधुमक्खी पालन करू कि अपन इलाका अच्छी इलाका है कि मधुमक्खी पालन करें। सभी दीदी से अनुरोध है सब दीदी मधुमक्खी पालन करूँ
मधुमक्खी के लाभ।